हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, फाइनली टाइम आ चुका है इन बैगों को ट्रैवल करवाने का, घसीटने का। और अभी हम ट्रैवल करने वाले हैं अपने होम टाउन उत्तराखंड। जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ठंड है, तो हमने इसके लिए जैकेट्स वगैरह भी रख लिए हैं और मैंने अपनी जैकेट डाली हुई इस बैग में। टाइम हो रहा है यहाँ पे शाम के 7:30 और 9 बजे की हमारी बस होने वाली है उत्तराखंड के लिए, जो कि हमें मिलेगी सेक्टर 17 चंडीगढ़ से। तो अभी हम वेट कर रहे हैं घर पे कैब का। चलो भाई जल्दी कैब आ गई, फटाफट उठाओ उठाओ बैग उठाओ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 17 और ये सामने देख रहे होंगे आप, ये लगी हुई हमारी बस पौड़ी के लिए, जो कि ऋषिकेश डिपो से होते हुए जाएगी। और ये श्रीनगर उत्तराखंड के लिए भी बस लगी हुई है यहाँ से। तो अभी हमने सीट भी ले ली अपनी और अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से। तो ये बस निकलती है यहाँ से 9 बजे, तो आगे मिलते हैं आपको फिर। तो अभी हम पहुंच गए एक ढाबे में जिसका नाम है हिमाचल ढाबा और ये अम्बाला रोड में पड़ता है। तो चंडीगढ़ से अम्बाला, ऋषिकेश, हरिद्वार जितने भी बसें आने जाने वाली होती हैं इसी ढाबे में रुकती हैं बीच में। तो अब हम यहाँ पे कुछ खाना वगैरह खाएंगे और इसके बाद निकलते हैं यहाँ से आगे। तो मैंने और नैन्सी ने खाना खा लिया है, हमने एक थाली ऑर्डर करी थी और अभी मैंने चाय ली है क्योंकि यहाँ पर ठंड काफ़ी है। तो अभी निकल पड़ी है बस इस ढाबे से और इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा ऋषिकेश डिपो में। और अंधेरा काफ़ी है बाहर अभी, तो अच्छे शॉट्स लेने को भी नहीं हो रहा ब्लॉग के लिए। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश में और ये यहाँ का बस स्टैंड है। तो अभी हमारी बस यहाँ पे 1 घंटे के लिए स्टॉप हुई और अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 3 सुबह के। तो अभी 3:45 पे यहाँ से हमारी बस निकलेगी पौड़ी के लिए। गाइज, अब यहाँ से आगे का सफ़र होने वाला है हमारा पहाड़ों पे, तो दिखाएंगे आपको आगे के पहाड़, नदियाँ और वहाँ की खूबसूरत वादियाँ। और गाइज, ठंड बहुत है यहाँ पे ऋषिकेश में, हवा चल रही एकदम ठंडी ठंडी और मैं तो देख रहा हूँ आप फिर से पैक हो चुका हूँ, जैसे कि मैं पोलैंड में हो जाता हूँ, मतलब वहाँ पर भी इतनी ठंड लगती है और यहाँ पर भी वैसे फील हो रहा है। तो मैंने हुडी वगैरह डाल लिया है और नैन जी को देख सकते हैं आप इधर, वो भी बिल्कुल पैक हो रखी है एकदम। तो गाइज़, अभी इस ठंड से बचने के लिए ले लिया हमने यहाँ पे गर्मा गर्म चाय और इस चाय को पी के शायद थोड़ा गर्माहट आएगी बॉडी में, क्योंकि जो केदारनाथ है वहाँ पे अभी स्नोफॉल हो रहा है तो इसके लिए यहाँ पे इतनी ठंड बढ़ गई है। और मुझे लगता है कि मुझे इसके ऊपर एक और जैकेट डालनी पड़ेगी क्योंकि इससे तो ठंड बचने वाली है नहीं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं 3 धारा और बीच में मुझे नींद लग गई थी तो पता ही नहीं चला कि मतलब कब यहाँ पर पहुँच गई हमारी गाड़ी। तो ये जो 3 धारा है ये काफ़ी फेमस प्लेस है यहाँ का और काफ़ी लोग तो जानते भी होंगे इसके बारे में और जो लोग नहीं जानते वो भी जान लीजिए। तो रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, पौड़ी और भी काफ़ी जगह से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार जाने वाली सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती हैं और यहाँ पे लंच, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ मिलता है। तो काफ़ी अच्छा खाना मिलता है दोस्तों यहाँ पर और देख लीजिए ऐसा दिखता है ये 3 धारा और काफ़ी अच्छी जगह है ये। और ये जो पानी के टैंक देख रहे होंगे आप, ये नेचुरल स्रोतों से आता है पानी और इसमें स्टोर किया जाता है। Thank you.
गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं पौड़ी, और ये पौड़ी की माल रोड है, और इसके नीचे वाली रोड पे है यहाँ का बस स्टैंड, जो कि अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो आपने पीछे देखी होगी उत्तराखंड की ब्यूटी, यहाँ के पहाड़, नदियाँ और खूबसूरत से नज़ारे। तो कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी उत्तराखंड की ब्यूटी, यहाँ के पहाड़, यहाँ की नदियाँ, और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइज़ ये है पौड़ी का बस स्टैंड, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। और अभी हम जाएंगे माणिक स्वीट शॉप में, तो यहाँ से हम कुछ मिठाइयाँ लेंगे घर के लिए, और काफ़ी अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं यहाँ पर। तो अभी हमने पौड़ी बस स्टेशन से टैक्सी ले ली है अपने घर के लिए, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो उसके बाद हम फाइनली अपने घर पे पहुँच जाएंगे। तो ये है गाइस वो जगह जहाँ से कि हिमालय पूरा दिखता है, और अभी तो मौसम बादल लगे हुए हैं तो इसके लिए साफ नहीं दिख रहा, अदरवाइज़ यहाँ से बहुत क्लीन दिखता है हिमालय। तो ये आ गया है हमारा बुआखाल का छोटा सा मार्केट, और ये है पौड़ी टू कोरदार रोड। तो आगे से हमको नीचे के लिए कटना होगा, तो वहाँ के लिए है मेरा गांव। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने गांव में, और यहां से शुरुआत हो जाती है हमारे गांव की, लेकिन मेरा घर नीचे की तरफ पड़ता है तो हम नीचे की साइड जाएंगे। और ये हमारे गांव का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने घर के पास, और ये देख रहे मम्मी पापा भी आ चुके हैं हमारा सामान लेने के लिए। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे, और हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा था। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड, और मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।